हाँ, सभी बच्चों को प्रेशर की आवाज आ रही है तो जरा हाथ हिला के बताएं, आवाज आ रही है? चलिए, मैथमेटिक्स की क्लास है और आज का जो टॉपिक मिला है वो क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन के वो सवाल आपको दिखा रहे हैं जो एग्जाम में आपके आने वाली परीक्षा है, 6 मई परीक्षा, जिसमें पूरी तरीके से आप ध्यान देना, सभी सवाल इंपॉर्टेंट है और उन सवालों को आप बार बार करना जिससे आपको फायदा होगा। ठीक है, सब तैयार है पढ़ने के लिए? गणित पढ़ने के लिए सब तैयार है? जरा हाथ हिला दें। ठीक, चलिए सबसे पहले सवाल लिखिए। मेंसुरेशन जो होता है, जिसको बोलते हैं क्षेत्रमिति, ठीक है, क्षेत्रमिति में दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है, दो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आना है एक एक नंबर के। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आएंगे वो एक एक नंबर के, वो किस तरीके के आएंगे हमको नहीं मालूम है। कि जैसे उन्होंने बोला बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होगा। तो वो पूछेगा सत्य या असत्य, ये तो आप इस पे क्या लगा देंगे, सत्य, पहली बात। फिर अगर उसने पूछा बेलन, ये लिखा बेलन का खाली स्थान आयतन होता है, ये तो यही वाला आंसर आपका यहाँ आ जाएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर एच, बेलन आयतन का सूत्र होता है ये। मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमको एक ही प्रश्न कितने प्रकार से पूछा जा सकता है, ये आपको बता रहा हूं मैं। कोई सवाल रटना नहीं है। अगर उसने बोला एक ही वाक्य में लिखो, एक वाक्य में लिखो, प्रश्न तीसरा ऐसा आता, एक ही वाक्य में लिखो और बेलन के आयतन का सूत्र लिखना है। बेलन के आयतन के सूत्र का मतलब ये है कि आपको शंकु का भी आ सकता है, गोले का भी आ सकता है और हमें वक्र पृष्ठ का आ सकता है, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का आ सकता है, कोई सा भी सूत्र, मतलब जो आपके पूरे सूत्र है। आपको एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि बेलन के आयतन का सूत्र हम एक ही बात में लिखना है तो उसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो अब आपको सवाल में कुछ सवाल ऐसे हैं जो इंटरेस्टिंग सवाल हैं और वो कहीं आप गलती ना करें, उनको आप देखें, ठीक है। सब लोग आपके लिए सब तैयार है ना, सबको आवाज क्लियर आ रही है, सबको क्लियर? नटेरन, विदिशा, एक्सलेंस के बच्चे आवाज आ रही है सबको? बहुत बढ़िया। छिंदवाड़ा परासिया के बच्चे, छिंदवाड़ा परासिया के बच्चे आवाज आ रही है? सब पढ़ने तैयार है? देखो पहला सवाल आपको ये आया, देखना आपको इस जो ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट में चार चार नंबर के दो प्रश्न आना है, चार चार नंबर के दो प्रश्न आना है, तो 8 नंबर ये हो गए और एक एक नंबर के दो वस्तुनिष्ठ आना है, तो 10 नंबर की पूरी क्षेत्रमिति आना है। तो हम आपको जो आने वाला एग्जाम है, आपकी हाफ ईयरली एग्जाम है, उसमें पूरा कोर्स कवर हो रहा है, तो क्षेत्रमिति के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने 5-5 साल के पेपर से वर्चुअल क्लास के माध्यम से बता रहे हैं, आप प्रयास करें कि वो सवाल फटाफट लिखने, और हम कुछ सवाल आपको होमवर्क में दे देंगे, वो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। इसलिए आप सारे ध्यान साल में करवा रहा हूँ, उसको बहुत सिंपल मेथड से होंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा या एक ही बार में सवाल आएंगे। देख जरा ध्यान से देखें, कोई सवाल आ गया, कोई सवाल आपके पास परीक्षा में आ गया कि सर ये बताइए, ये एस लिखा, जरा समझना सारे बच्चे, एस क्यों लिखा है? क्योंकि एस होता सरफेस, सरफेस होता है, सरफेस को हम बोलते हैं पृष्ठ। तो हम जानते हैं कि घनाभ का वक्र पृष्ठ जो होता है वो सूत्र होता है 2 × AB + BC + CA, ये सूत्र होता है, आप जानते हैं 2 × AB + BC + CA, कोई डाटा नहीं है, 2 सूत्र में है। अगर आप इसको ऐसे लिखें, देखें जरा A, B और C, ध्यान से देखना सारे बच्चे, A के बाद B आ गया, B के बाद C आ गया, C के बाद A आ गया, चक्रीय क्रम में लिखा है, कोई भी सूत्र
हम घनाभ का वक्रपृष्ठ का सूत्र दिए हुए हैं, सरफेस एस फॉर सरफेस होता है, इसलिए हमने इसको एस लिया है। आपको ध्यान रखना है, सवाल 101% आता है और उसमें किसी को गलत नहीं करना है। अभी प्रश्न आपको समझ में आएगा। यहाँ पर भी ये लिखा भी इक्वल टू होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। ये होता है चाय का ए बी सी, ये घनाभ का आयतन का सूत्र है, ध्यान देना। ए के बाद बी और बी के बाद सी, ये घनाभ का आयतन का सूत्र है, ये घनाभ के वक्रपृष्ठ का सूत्र है। आपको कोई सवाल याद नहीं करना है, ये ध्यान देना है कि ये नंबर एक हो गया और ये नंबर दो हो गया, ठीक। अब एस फोर याद रहेगा, एस फोर होता है सरफेस, सरफेस को बोलते हैं पृष्ठ और वी को बोलते हैं आयतन, ठीक है। आयतन, ये आयतन लिखा हुआ है, आप ध्यान दें, आयतन। वी वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम, ये वॉल्यूम जाता है, वॉल्यूम मतलब आयतन। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको रटना नहीं है सवाल को। वी फोर विक्ट्री होता है, एस फोर हम आप सरफेस बता दिया, इसमें इसका भाग कर दिया एस अपॉन वी, तो ये बटे में आ गया। देखो एस अपॉन वी इक्वल टू टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ऐसे ही लिखा था और सबके बटे में ए बी सी आ गया। अब एस अपॉन वी तो ये लिखा ही था, टू ऐसे ही लिखा है, ए बी बटे ए बी सी लिख दिया प्लस बी सी बटे ए बी सी लिख दिया प्लस सी ए बटे ए बी सी लिख दिया। देखें जरा, ए बी से ए बी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, सी ए से सी ए कट गया, एस अपॉन वी इक्वल टू टू, ये वॉल्यूम ए ही होता है। अब देखिए, आपको ध्यान देना है, हम जानते हैं इस साल को एस से सरफेस से वी है, तो